अगस्त महीने के पहले दिन आप सबका अपनी टीम में स्वागत करता हूं और जितने लोग आज इसमें मौजूद हैं उन्होंने ये सिद्ध किया है कि वो लीडर बनने के रास्ते में हैं, एटलीस्ट दे आर विलिंग टू बिकम अ लीडर। अब सब लोग हैं साल के आखिरी महीने में, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके गोल्स हैं और कुछ लोगों ने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। अगर आपको कामयाब होना है इस बिजनेस में, बड़े लेवल हासिल करने हैं, तो 100% पिन उसका शुरुआत है। और जैसा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्टली श्यामजी ने बताया कि जब हम वैसा बनेंगे तभी वैसी हमारी टीम बनेगी और वही टीम आगे चलकर उसकी प्रोडक्टिविटी होगी और वही बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सो इट इज योर ड्यूटी, 100% पिन बनना आपका ड्यूटी है। किसके प्रति? सबसे पहले तो अपने प्रति। आपका कोई ना कोई बड़ा ड्रीम है जिसके वजह से आप इसके अंदर आई हैं, इस बिजनेस के लिए आई हैं। यू हैव गॉट अ ड्रीम, तो सबसे पहले तो अपने ड्रीम के प्रति आपकी ड्यूटी है। उसके बाद आपकी ड्यूटी अपने खुद के प्रति है, बिकॉज यू आर वर्किंग। तो जब अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो और प्रॉपर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो तो फिर वो एक ऐसी ड्यूटी है अपने प्रति जो फुलफिल नहीं हो रही है। और तीसरी, जिस टीम को आपने ज्वाइन किया है उसके प्रति आपकी ड्यूटी है। इट इज योर अर्नेस्ट ड्यूटी टुवर्ड्स योर टीम, बिकॉज आपकी जो टीम है उसकी जो कैप्टन है, ही एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू बी एटलीस्ट 100%। जिनके ऊपर बेस्ड होकर वो अपनी टीम की प्रोग्रेस को, उसकी दिशा को निर्धारित कर सकते हैं, उसके बारे में प्लान कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि आपकी ड्यूटी है टुवर्ड्स योर ड्रीम, आपके सपनों के प्रति आपका फर्ज है कि आप 100% पिन बने। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इस बिजनेस में कामयाबी के लिए आपका एक सपना होना चाहिए। सपना ऐसा होना चाहिए जो आपके इस प्रेजेंट काम से होने वाला नहीं है। जैसे मैं हूं, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये था कि जब जो मेरी मर्जी हो वो मैं करूं, लेकिन मुझे पैसों के बारे में कुछ न करना पड़े या पैसों के बारे में सोचना भी ना पड़े, एंड आई मे बी डूइंग व्हाट एवर आई फील लाइक डू। तो दिस ड्रीम वॉज सच, ऐसा सपना था कि हमारे बिजनेस के अलावा मेरे प्रोफेशन से ये किसी भी तरह से पूरा होने वाला नहीं, नॉट पॉसिबल। और अगर उस प्रोफेशन से पूरा होने वाला नहीं है जो हम कर रहे हैं या जो जॉब हम कर रहे हैं, और हम इस बिजनेस में हैं और हमको मालूम भी है कि वो सिर्फ सिर्फ यहीं से पूरा होगा, और अगर फिर भी हम 100% पिन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सपना केवल एक डिजायर है कि हो जाए तो भी अच्छा और ना हो जाए तो काम तो बढ़िया चल ही रहा है। और जैसे हमारे अपलाइन डायमंड आलोक जी पूछते हैं कि आप ये बताओ, जब आप उनसे अपना ड्रीम बताओगे तो आपसे पूछेंगे कि ये बताओ कि ये चाहिए ही चाहिए या मिल जाए तो अच्छा। तो अगर मिल जाए तो अच्छा है तो 100% पिन आप नहीं बनोगे, और चाहिए ही चाहिए तो आप 100% पिन, जैसे विशाल बता रहे थे, उन्होंने तुरंत बिजनेस ज्वाइन किया और वो 100% पिन हुए। क्योंकि अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है, आई डोंट नो हिज ड्रीम, पर उनकी बात से मैं इतना जरूर समझ सकता हूं कि वो जो इनका ड्रीम है वो नॉन नेगोशिएबल है, उसमें किसी तरह का नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। और उनको उनके स्पॉन्सर, उनके अपलाइन ने बताया कि देखो आपको 100% पिन होना है और वो 100% पिन हो गया। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ 100% पिन। और कई लोगों ने रिवाइज किया है कि 100% पिन क्या होता है, तो उसको अब मैं नहीं रिवाइज करने वाला हूँ। अभी भी जिसको क्लैरिटी नहीं है तो वो अपने एक्टिव अपलाइन से पूछना है कि व्हाट इज 100% पिन, और आपको 100% पिन बनना है। तो पहली चीज, जितने भी इसमें नए पुराने लोग बैठे हैं, पुराने जो लोग हैं उनको भी खुद को एनालाइज करना है, टटोलना है और देखना है कि क्या वो 100% पिन है। और 100% पिन ऐसा होता है, ये जैसे अभी विशाल ने कहा कि 100% से ज़्यादा तो हो सकता है, इट कैन बी 110%, 120%, बट इट कैन नॉट बी 99%, इट कैन नॉट बी 80%, इट कैन नॉट बी 50%।
If it is not 100%, then it is zero. Why? Zero इसलिए है क्योंकि 100% पिन को कहा जाता है कि आपको पहले 5 दिन में 100 PV आपकी होनी चाहिए। आपके फोन में BWW स्मार्ट टच ऐप होना चाहिए जिसके ऊपर आपने एक पैक लिया हुआ, चाहे वो बेसिक पैक ही क्यों ना हो। यू मस्ट बी अटेंडिंग ऑल दी जूम सेशंस रिकमेंडेड बाय योर अपलाइन एंड यू मस्ट बी रीडिंग द बुक्स रिकमेंडेड बाय योर अपलाइन। दिस इज 100% पिन। इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम या तो एक नंबर देते हैं या जीरो नंबर देते हैं। सपोज यू हैव डन 100 PV इन फर्स्ट 5 डेज, तो आप अपने आप को एक नंबर दे दो। आपने अभी स्मार्ट टच पैक आपके फोन में अपलोडेड नहीं है तो आप 0 नंबर। आप सारे सेशंस अटेंड कर रहे हो, आप अपने को एक नंबर दे दो। आप किताबें पढ़ रहे हो, आप अपने को एक नंबर दे दो। और उसके बाद इन सबको ऐड मत करो, इन सबको आप मल्टीप्लाई करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर विल बी अ जीरो इवन इफ देयर इज 1 0। एंड इफ ऑल विल बी 1, मल्टीप्लीकेशन विल बी 1, दैट मीन्स 100। तो 100% पिन या तो 100% पिन होता है या जीरो। जब ये 100% पिन एक्टिविटी करने लगते हैं, व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग, और वर्किंग क्या है, लोगों को इस बिजनेस का प्लान दिखाने लगते हैं, बताने लगते हैं, तब वो बन जाते हैं कोर, देन दे बिकम अ कोर। 100% पिन विद एक्टिविटी इज अ कोर। और कोर बनना इस बिजनेस की, आप समझ लीजिए, वो ब्लॉक है। कोर कहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट जो उस स्ट्रक्चर को, उस बॉडी को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करे, उसको कहते हैं कोर। जैसे एक मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण लगता है, जो लड्डू होता है, मोतीचूर का लड्डू, वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल से बना होता है। एक लड्डू अगर आप खाएं और एक उसका छोटा वाला गोला खाएं, तो उस गोले में सब कुछ होगा जो उस पूरे लड्डू में है। यानी उसको खाएंगे तो स्वाद एकदम वही आएगा जो पूरे लड्डू को खाने वाला। तो उस वो मोतियों से, उस मोती के चूरे से बना हुआ है लड्डू, और वो रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे लड्डू को, दैट इज अ कोर। तो अगर इस बिजनेस का हम एक लेवल समझ लें डायमंड, तो उसका जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज कोर। यानी अगर आपको डायमंड बनना है तो कोर से मल्टीप्लाई करके ही आप डायमंड बनोगे। यानी आपकी टीम में कितने कोर हैं इस पर डिपेंड करेगा आपका डायमंड शेप, या इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कोई भी पिन लेवल। सो पहला, आज की लीडरशिप का पहला जो मैसेज है, लेसन है, गाइडेंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैंशन इट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट, वो ये है कि हम सबको कोर बनना है। अगर हमें ब्रॉन्ज भी जाना है तो इवन ब्रॉन्ज इज नॉट पॉसिबल इजिली विदाउट अ कोर। हो सकता है कुछ लोग बन भी सकते हैं अगर उनके ग्रुप में ऐसे 4-5 ADR आ जाए जिनका मकसद सिर्फ ये हो कि मैं 500 से 1000 PV करूंगा, तो आप फंस सकता है, ब्रॉन्ज बन जाओ। हो सकता है कभी कभार 21% भी आपको अचीव हो जाए, लेकिन आप बड़े लेवल, जिसको बड़े लेवल की शुरुआत होती है फाउंडर प्लैटिनम से, Q12 प्लैटिनम से ही शुरू होता है स्टेबिलिटी, जहां पर आप एंजॉय करते हैं लेवरेज। उसके पहले के सभी लेवल जो है वो अनस्टेबल है। इवन सिल्वर इज अनस्टेबल, इवन गोल्ड इज अनस्टेबल, इवन प्लैटिनम इज अनस्टेबल। तो आपको आपका जो गोल है, पहला फर्स्ट स्टेबिलिटी का लेवल है, दैट इज फाउंडर्स प्लैटिनम। और फाउंडर्स प्लैटिनम के लिए जरूरी है कि आप खुद कोर हो और आपके ग्रुप में ढेर सारे कोर हो। जितने भी नए लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का मेंशन, इस बात का गौर करेंगे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन कितनी पीवी करेगा, कौन कितनी ज्वाइनिंग कराएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप कोर बनेंगे और आपके ग्रुप में ढेर सारे कोर होंगे,
तो फाउंडर प्लेटिनम से लेकर डायमंड तक कोई भी लेवल आप अचीव कर सकते हैं। और अगर ये मैसेज क्लियर है तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए कोर बनने के ऊपर। और कहा जाता है बी कोर टीच कोर गो डायमंड। कोर बनिए और जब आपको कोर अच्छे से समझ में आ जाए, कोर की लाइफ आप जीने लगे, तो आप कोर बनना सिखाइए और अगर आप यही करते चले जाएंगे तो आप डायमंड चले जाएंगे पक्का। ऑल राइट, सो ड्रीम हो गया, कोर हो गया, और उसके बाद अब सबसे जो बड़ी चीज है, इनफैक्ट जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसके लिए जो जरूरी है वो यह है कि आपका फेथ हो, आपका विश्वास हो। फेथ जैसे हम अपने अपने हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, अपनी परंपरा के हिसाब से, हम एक ऑल माइटी के ऊपर हमारा फेथ है, ईश्वर के ऊपर हमारा फेथ है कि हमारी लाइफ में उसका बहुत बड़ा रोल है और वो हमारे लिए चीज़ें डिज़ाइन करता है, प्लान करता है और सब कुछ उसी पर निर्भर है। तो ये जो फेथ है, इसी तरह का फेथ हमको अपने ऊपर भी होना चाहिए। सेम काइंड ऑफ फेथ ऑन आवर सेल्फ, ऑन आवर केपेबिलिटीज, ऑन आवर एबिलिटी कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। और अगर उसमें अल्लाह का, ईश्वर का, खुदा का फेथ का माइंड है, तो अगर मुझे अपने गॉड पर फेथ है और मुझे अपने ऊपर फेथ है, तो फिर तो कुछ और की जरूरत ही नहीं है। इवन दिस फेथ विल कैरी यू टू वॉट एवर लेवल यू वॉन्ट। तो उसी तरह का विश्वास अपने ऊपर हो कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। ये जो विश्वास है आपको अपनी टीम के ऊपर भी होना होगा, योर टीम, योर अपलाइन, योर एजुकेशन सिस्टम, एंड सबसे बड़ा विश्वास आपको अपनी कंपनी के ऊपर करना होगा, एमवे के ऊपर। और आपको अपनी टीम के ऊपर विश्वास कैसे होगा, आपको कंपनी के ऊपर विश्वास कैसे होगा, आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड के ऊपर कैसे विश्वास होगा, इस विश्वास को आपको उधार लेना होगा अपनी टीम से। जब तक आपके अंदर वो खुद अपना डेवलप नहीं हो जाता, तब तक आपको उधार के विश्वास से काम चलाना होगा। इफ यू हैव फेथ ऑन योर अपलाइन, इफ यू हैव फेथ ऑन योर स्पॉन्सर, एंड योर स्पॉन्सर एंड योर अपलाइन सेज कि एमवे के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो आपको एमवे के ऊपर भरोसा करना है। अगर ये कहा जाता है कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, तो आपको कुछ दिन इस उधार के विश्वास से काम चलाना होगा। एग्रीड? और फिर उसके बाद आपको इस बिजनेस को समझना भी होगा। एक्चुअली ये बिजनेस कोर बनने का है, कोर बनाने का है, और इन सब की जो शुरुआत होगी वो तब होगी व्हेन यू अंडरस्टैंड द बिजनेस। और अंडरस्टैंडिंग भी कब आती है, व्हेन यू हैव फेथ। अगर आपको अपने अपलाइन और किसी के ऊपर नहीं, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, जिसने आपको बिजनेस में लेकर आया है, अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है, तो उससे आपको इस बिजनेस की समझ डेवलप करनी पड़ेगी। है तो सब कुछ बड़ा सिंपल, बिजनेस इज वेरी सिंपल, बट एक्चुअली होता क्या है कि हम सिंपल नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम सिंपल नहीं है उसमें हमारा कोई दोष है। द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग, द काइंड ऑफ एनवायरमेंट, the kind of people whom we had been associating with till now, everywhere we got complexity. Simplicity थोड़ी कम है दुनिया में, और ऐसे में इतनी complexities के बीच में जब हमको हमारा ये business मिलता है तो मुश्किल होता है उसको समझना। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है, और अगर हमको अपने अपलाइन के ऊपर, अपने स्पॉन्सर के ऊपर विश्वास है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाती है। और अंडरस्टैंडिंग इस बात की होनी चाहिए कि ये बिजनेस वॉल्यूम्स क्रिएट करने का है, और जो मनी आता है वो आपको वॉल्यूम के ऊपर ही आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, आपके कस्टमर्स कितने हैं। यू मे बी हैविंग 1000 प्रेफर्ड कस्टमर्स, बट इफ दे आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट्स, यू आर नॉट गोइंग टू अर्न मनी। वेरी सिंपल, एमवे आपको आपकी एक्टिविटी पर पैसे नहीं देती, एमवे आपको आपके मंथ एंड में जो रिजल्ट होता है, कल रात 12 बजे तक कंप्यूटर में जितना वॉल्यूम आपने
जेनरेट किया होगा विद योर एफर्ट एंड विद द एफर्ट ऑफ योर अपलाइन, उसके ऊपर आपको पैसे 3 या 4 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। जो भी हम लोग बात करते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड की, कोर बनने की, 100% पिन बनने की, ये हम बात इसलिए करते हैं कि इफ यू फोकस ऑन वॉल्यूम ओनली दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। कुछ जो हमारे साथ नए लोग हैं, अगर हम उनसे कहें कि देखो भाई आपका गोल है 10,000 पॉइंट्स का बिजनेस क्रिएट करना है, 10 लाख रुपए का मंथली वॉल्यूम आपको क्रिएट करना है, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको 1 लाख रुपए महीने की आमदनी होगी। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, इसको समझना मुश्किल है कि अभी मैं 10,000 का तो कर नहीं पा रहा हूं, 10 लाख का कैसे हो। बट कोर बनना समझ में आता है, और अगर आपको ये पता चल जाए कि जब आप खुद कोर बनते हो तो आप 500 से 1000 पॉइंट्स का वॉल्यूम जनरेट करने लगते हो एफर्टलेसली। एनी कोर इज एबल टू जनरेट अ वॉल्यूम ऑफ 500 टू 1000 पॉइंट्स। कैसे? मे बी नॉट इनिशियली, बट वो अगर कुछ दिन पुराना हो गया, कुछ उसकी टीम बन गई, तो 1000 पॉइंट का वॉल्यूम जनरेट करना किसी भी कोर के लिए आसान बात होती है। तो अब आप देखो, अगर हम किसी नए व्यक्ति से कह रहे हैं कि भाई आपको 10,000 पॉइंट का बिजनेस करना है, देन यू लर्न 1 लाख रुपए, और हम उससे कह रहे हैं कि आप कोर बनो, और जिस दिन आपके टीम के अंदर 10 नहीं आपके अलावा 7 कोर भी हो जाएंगे, आप एफर्टलेसली 10,000 पॉइंट का बिजनेस करने लगेंगे। सोच के देखिए विच वन इज इजियर टू थिंक, किसको सोचना आसान है? खुद कोर बनना, 6-7 कोर बना लेना, इट इज सिंपल। आज 10,000 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, 10 लाख तक पहुंचाना मुश्किल। इसी को कहते हैं सिस्टम, और यही है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, उसकी इंपॉर्टेंस। इट मेक्स थिंग्स सिंपल फॉर अस, और इसीलिए ये कहा जाता है कि आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हर समय वॉल्यूम पर फोकस मत करिए। वॉल्यूम पर कब फोकस करना है, दैट आई विल कम टू इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। सो सबसे पहली चीज क्या हो गई, हमें कोर बनना है। कोर बनाने, कोर कौन होता है? जो 100% पिन विद एक्टिविटी होता है, उसी को हम कोर कहते हैं। अब ये सब आप लोग जानते हैं कि प्रिफर्ड कस्टमर है एमवे रिटेलर्स हैं और एमवे डायरेक्ट सेलर्स हैं। ये तो एमवे के टाइप ऑफ पार्टनर्स हैं। जो हमारे पार्टनर्स होंगे वो एडीआर होंगे या एडीएस होंगे। प्रिफर्ड कस्टमर को तो पार्टनर नहीं कह सकते, वो तो हमारे कस्टमर्स हैं। तो जो हमारे पार्टनर्स हैं, आइदर दे आर एडीआर और एडीएस। लेकिन जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड बताता है, वो ये बताता है कि हमारे 4 तरीके के पार्टनर हो, वी हैव गॉट 4 लेवल्स ऑफ पार्टनर। और ये मैं बात कर रहा हूँ एडीआर और एडीएसएस। जो भी आपकी टीम बनेगी उसमें 4 तरह के लोग होंगे। पहले होते हैं लेवल 1। लेवल 1 वो है जो एडीएस होते हुए भी केवल थोड़ा सा वॉल्यूम जनरेट करेंगे। एडीएस हैं लेकिन वो थोड़ी सी पीवी करते हैं, अपने लिए सामान खरीदते हैं, दैट्स ऑल। सो उनका केवल जो जो एमवे का नॉमनक्लेचर है वो एमवे डायरेक्ट सेलर का है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो हमारे लिए प्रेफर्ड कस्टमर है। और एज एन अपलाइन, एज ए लीडर, हम हमेशा ये गलती करते रहते हैं, उनको बिजनेस में एक्टिव बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो जो 10-15-20 पीवी हर महीने में करते थे वो भी करना बंद कर रहे। दे गेट सो फेड अप ऑफ अस ऑल द टाइम टेलिंग देम टू कम इन मीटिंग्स, टू रीड द बुक्स, टू लिसन टू द सीडीज, कि वो सोचते हैं कि भाई देखो अब एकदम साइलेंट हो जाओ, कुछ भी मत करो। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी छोटी बड़ी जितनी भी टीम है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर लेवल 1 पार्टनर्स एंड ट्रीट देम एज प्रिफर्ड कस्टमर। और प्रिफर्ड कस्टमर्स को हम कुछ करने को नहीं कहते, हम उनको सर्व करते हैं। वी जस्ट सर्व देम।
और जिनकी बड़ी टीम्स हैं, जो सिल्वर जनप हैं, ब्रॉन्ज जनप हैं, आप अपने नेटवर्क में देखोगे, अपनी टीम में देखोगे, तो आपको कम से कम 20, 25, 50 तक ऐसे प्रिफर्ड कस्टमर्स मिलेंगे जिनको आप प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हो, और इसलिए आप ढेर सारी पीवी हर महीने पाने में नाकामयाब हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग देम द वे दे शुड बी ट्रीटेड एज प्रिफर्ड कस्टमर। उसी तरह हम उनको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दें, उसी तरह हम उन्हें सम्मान दें, उसी तरह टाइम टू टाइम हम उनको कुछ गिफ्ट अपनी तरफ से दें। एक हमारे अंदर एक ये भी कमी है एज ए लीडर कि हम जो गिफ्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने कस्टमर्स को। वो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर माइंडसेट अभी भी है कि जो ऑफर आया है, जो गिफ्ट आया है, वो मेरे लिए है, प्रोडक्ट कस्टमर के लिए। प्लीज एज अ बिजनेस ओनर, एज अ लीडर, इसको चेंज करना है। आप ये समझ लो कि जो कंपनी ऑफर देती है वो आपके कस्टमर के लिए है, आपके घर में जो कुछ प्रमोशन वाले आइटम्स रखे हैं वो आपके कस्टमर्स के लिए हैं, एंड यू शुड बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम। जितना आप दिल खोल के वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना आपका वॉल्यूम होगा, और आपको ये सोचना है कि आप इस वो ऑफर्स और प्रोमो आइटम्स के लिए इस बिजनेस में नहीं आए हैं, आप इस बिजनेस में एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करने के लिए आए हो, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए आए हो, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आए, एंड दोज ऑफर्स एंड दोज प्रोमो आर टूल्स टू जनरेट वॉल्यूम। सो लेवल वन डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर टू बी ट्रीटेड एज प्रेफर्ड कस्टमर्स। दे नीड योर रेस्पेक्ट, दे नीड योर रिकग्निशन, दे नीड गिफ्ट्स फ्रॉम यू, दे डोंट नीड सजेशंस फ्रॉम यू, दे डोंट नीड एट ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम यू टू कम टू अ मीटिंग, टू लिसन टू अ सीरीज। सो प्लीज बी कॉशियस अबाउट दैट, लेट देम बी एडीएसएस, एमवे की निगाह में एडीएस होने दो, हमारे लिए वो हमारे कस्टमर्स हैं, और उस ढंग से हम वॉल्यूम जनरेट करें। अब होते हैं लेवल टू। लेवल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हैं जो थोड़ी सी सेलिंग भी करते हैं, और आप देखेंगे कि हमारे बहुत से प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं जो सामान लेकर अपने नेबर्स को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देते हैं। अगर आप उनसे थोड़ा सा टच बनाएंगे, उनसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन आपकी स्ट्रांग होगी, तो आप पाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर किया है उसमें से दो तो अपने लिए है, दो उनके पड़ोसी के लिए है, इवन प्रेफर्ड कस्टमर। और अगर हम अपने प्रेफर्ड कस्टमर से टच में हैं तो उनके रेफरेंसेस लेके हम अब इस कस्टमर बेस को और बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से हमारे लेवल टू के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको न केवल हमें सर्व करना है, न केवल उन्हें हमें गिफ्ट्स देने हैं, बल्कि हमको उनसे रेफरेंसेस लेकर अपने कस्टमर्स बनाने हैं। और अगर वो एडीएस हैं तो हमें उनके कस्टमर्स बनाने हैं, ऐसा नहीं कि उसको रेफरेंस लेकर हम कहीं और कस्टमर बनाएं। उनके जब हम कस्टमर्स बनाएंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, उनका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। हो सकता है एज एन एडीएस उनके पास कुछ पैसा आए, एंड दे कन्वर्ट एंड ट्राई टू कम इन दी लेवल 3 एंड लेवल 4। तो लेवल 1 वाले को सर्व करना है, लेवल 2 वाले को सर्व करना है, और रेफरेंसेस लेने की कोशिश हमको हर जगह से करनी है, चाहे वो प्रेफर्ड कस्टमर हो, चाहे वो लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2। लेवल 3 कौन होते हैं? लेवल 3 के जो हमारे पार्टनर्स हैं, दे आर एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग वॉल्यूम्स। वो हमारे 300 पीवी क्लब होंगे, 500 पीवी क्लब होंगे, और हमारी इसी टीम में ऐसे लोग हैं जो 1000 पीवी, 1500 पीवी तक करते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ टीम। एंड एज एन अपलाइन, एज ए लीडर, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए ऐसे लोगों को पहचानने की। यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज देम एंड यू शुड बी एबल टू ट्रीट देम अकॉर्डिंग। आप ये समझ लो कि हमारे बहुत सारा पार्टनर्स हमारे साथ इसलिए नहीं रहते हैं कि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं आई है, वो कैपेबिलिटी नहीं आई है कि हम उनको पहचान कर जो ट्रीटमेंट उन्हें देना चाहिए वो दें। हम उनको वो ट्रीटमेंट देते हैं जो हमें सूट करता है। और हमें क्या सूट करता है? एवरीबडी शुड बिकम अ कोर, एवरीबडी शुड बिकम 100% पिन विद रिजल्ट्स, बट बी श्योर ऑफ इट कि आपकी जो टीम बनेगी उसमें हर कोई कोर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 दे आर वर्किंग, दे आर क्रिएटिंग वॉल्यूम्स, वो खुद थोड़े पैसों में संतुष्ट हैं, लेकिन आपके लिए वो एक हर महीने एक बड़ा वॉल्यूम दे रहे हैं, जो आपको पिन लेवल्स में, जो आपको एनुअल बोनसेस में हेल्प कर रहे हैं। उनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए?
दे शुड बी ट्रीटेड बहुत ज़्यादा अच्छे से। उनको आप कभी कभी, अभी तो नहीं, ये ख़त्म हो जाए कोरोना, तब आप उनको बुलाइए कभी स्नैक्स पर, कभी टी पर, कभी उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में जाइए, उनको अच्छे गिफ्ट्स दीजिए, बिकॉज दे आर डूइंग 500 पॉइंट्स एवरी मंथ, अच्छे गिफ्ट दीजिए, बहुत अधिक सम्मान उनको दीजिए। देखिए, हम में से बहुत से लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं बिना बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस, तो मैं नहीं कहूँगा, माइंडसेट नहीं है बिजनेस। बिजनेसमैन का माइंडसेट ये है, आप खुद अपने को देखिए, आप जिस भी दुकानदार के, जिस भी शोरूम के अच्छे खरीदार हैं, कितनी रेस्पेक्ट आपको वहाँ मिलती है। आप जैसे ही वहाँ घुसते हैं, आपको एक चेयर ऑफर की जाती है, ठंडे के मौसम में आपको कॉफ़ी मिलती है, गर्म का टाइम है तो आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया जाता है। बट हम बिजनेसमैन हैं, हम क्या करते हैं, हम सबको बस मीटिंग में बुलाने में लगे रहते हैं, और जब वो मीटिंग में नहीं आता है तो हम उससे नाराज हो जाते हैं, और जब नाराज हो जाते हैं तो नुकसान किसका होता है। हम एक बार नाराज हुए और हमें पता नहीं कितना वॉल्यूम हमने खो दिया। सो लेट अस बी प्रैक्टिकल, लेट अस बी एबल टू आइडेंटिफाई पीपल एंड लेट अस ट्रीट देम एज दे डिजर्व। ये लेवल 3 वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को यू नीड टू गिव देम लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, यू नीड टू गिव देम लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, गिफ्ट्स। और जो लेवल 4 का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, लेवल 4 का कौन है, जो कोर है, लेवल 4 के साथ आपकी लिबर्टी है, एज एन अपलाइन यू हैव द लिबर्टी, क्योंकि जो लेवल 4 वाला है, ना तो आप उसको डाउन कर सकते हो, ना आप उसको अप कर सकते हो, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। बहुत से लेवल 4 ऐसे होंगे कि आप उनसे नाराज भी हो जाओगे, आप उनको कह दो कि तुम बिजनेस छोड़ के चले भी जाओगे, तो भी वो बिजनेस नहीं छोड़ेंगे और कहेंगे कि सर एक दिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, और वो एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा पिल लेवल आपके लिए अचीव करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे नाराज ही हो जाओ। लेवल 4 वाले जो हैं वो आपके रियल पार्टनर्स हैं, वो आपके टीम हैं, और टीम का जो प्लेयर होता है उसको सब कुछ देना होता है, उसको प्यार भी देना होता है, उसको रिकॉग्निशन भी देना होता है, उसको कभी कभी उसको ठीक भी करना होता है, यू हैव टू करेक्ट हिम ऑल्सो, लेकिन सब कुछ एक ऐसे लिमिट में रहते हुए कहीं पर भी वो आपस में कोई डिफरेंसेस ना पैदा होने पाए। और ये जान लीजिए कि अगर आप बड़ा बिजनेस करने के लिए आए हैं तो वो जो लेवल 4 वाला डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हीं के भरोसे होगा। और इसके लिए आपके लिए एज एन इंडिविजुअल, जैसे मैं, अगर मैं अपनी अपलाइन के लेवल 4 वाली लिस्ट में मेरा नाम है तो आप समझ लो मेरा काम तो ऐसे ही हो गया, बहुत सारा काम हो गया। सो लेवल 4 वाले आपको मिलेंगे कब, When you are in your अपलाइन लिस्ट। और आप अपने अपलाइन की लिस्ट में कब आएंगे, When you yourself will become level 4। इसीलिए ये कहा जाता है कि बिजनेस बड़ा सिंपल है और बहुत कठिन है। सिंपल चीजें कठिन होती, सिंपलिसिटी इज डिफिकल्ट। एक जो साधारण लॉजिक है वो ये कहता है कि खुद ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, अगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं 7 अगर आ गए लेवल 4 वाले तो 10,000 पॉइंट तो हो ही जाए, तो खुद होना जरूरी नहीं है, चलो ढूंढते हैं साथ और ढूंढ के बना देते हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत बहुत लकी लोग के साथ होता है कि आपके नीचे जो ये लेवल 4 है वो आपके अपलाइन से कनेक्ट हो गए और बिजनेस हो गया और आपको एक लेवल मिल गया। लेकिन ये वाला जो लेवल है, ज्यादा से ज्यादा फाउंडर प्लेटिनम मिलेगा, वो भी अगर आपकी 2 टीम्स में अपलाइन ने सेलेक्ट कर लिया। तो दिस इज ऑल एक्सेप्शन। जो रूल है, जो सिंपल एक फिनोमेना है, वो ये है कि आप अपने अपलाइन की टीम के लेवल 4 बनिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपनी टीम में लेवल 4 वाले लोग मिलेंगे। एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट, लेवल 1 भी इम्पॉर्टेंट है, लेवल 2 भी इम्पॉर्टेंट है, लेवल 3 भी इम्पॉर्टेंट है, एंड लेवल 4 भी इम्पॉर्टेंट है। लेवल 4 कौन है, जो डिपेंडेबल है, जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं किसी भी, उस टीम की सक्सेस के लिए किसी भी चीज़, बट यूजफुल हर कोई है। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू थिंक इन दोज टर्म्स। अब इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। आप हो गए कोर, अब क्या फर्ज है, आपको कोर बनाने हैं, कोर ढूंढने हैं, लेकिन ये भी देखना है कि अगर सारे कोर एक टीम में होंगे तो आपकी सक्सेस लिमिटेड है। इसलिए क्या करना है, आपको अलग अलग टीम्स बनानी है, डिफरेंट टीम्स बनानी है, और डिफरेंट टीम्स के अंदर कोर होने चाहिए।
और इस स्ट्रक्चर को एमवे ने भी पहचाना है, एमवे ने भी इसकी इम्पोर्टेंस जानी है अभी, जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बहुत दिनों से स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, बट नाउ एमवे हैज कम इन अलाइनमेंट विद अवर एजुकेशन सिस्टम, और इसीलिए उन्होंने ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव एंड ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव को लाया है। ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव तभी आपको मिलेगा जब आपकी कम से कम 3 टीमें हों, ब्रॉन्ज बिल्डर भी तभी मिलेगा जब आपकी कम से कम 3 टीमें हों। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि BFI और BBI करने का एक आसान तरीका है गोइंग ईगल। एंड व्हाट इज एन ईगल? ईगल उसको कहते हैं जो खुद कोर है और उसकी 6 टीमों के अंदर कोर हैं। ही इज एन ईगल, ही हिमसेल्फ इज अ कोर एंड ही हैज गॉट 6 टीम्स जो कोर हैं, और जो 6 टीम्स जब उसकी किसी की कोर होती हैं तो पहली जो 2 टीमें होती हैं वो कम से कम 6 लेवल डीप हो जाती हैं, यानी उसमें एक के नीचे 6 लोग हो जाते हैं। तो डेप्थ वाली बात ऑटोमेटिकली होगी, उसके लिए आप डोंट वरी अबाउट दैट। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरी 6 टीमें बननी चाहिए कोर, यानी अगर आप कोर हो गए और आपका अगला मिशन है कोर बनाना, तो ये भी देखना है कि मुझे कोर बनाने हैं बट मेरी 6 टीमें भी होनी चाहिए। 6 टीमें नहीं होंगी तो आप डायमंड कैसे जाओ, क्योंकि डायमंड का मतलब है 6 अलग अलग 10,000 PV करने वाली टीम्स। तो यू हैव टू गो ईगल, और हम सब का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम ईगल बने। अब ईगल बनने के लिए क्या तरीका है? ईगल बनने के लिए तरीका है कि आप अपने जो सेशंस हैं इनमें फोकस करो कि आपकी कितनी टीमें बैठी हुई हैं। तो अब हम लोग थे सेकंड स्टेज पर कि आप अगर कोर हो गए तो आपको फोकस करना है नंबर ऑफ कोर्स इन योर टोटल टीम एंड ऑल्सो नंबर ऑफ टीम्स, और उसके लिए एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि हम जिस सेशन में बैठे हों, इन वॉट एवर सेशन वी आर, वी हैव टू कीप ऑन काउंटिंग नंबर्स एंड नंबर ऑफ टीम्स। जैसे आप देखिए, जब भी मैं बैठता हूँ आई ऑलवेज प्रेफर टू सिट ऑन द लैपटॉप जिसके अंदर कम से कम मैं 25 लोगों को एक साथ देख सकता हूँ, एंड समटाइम्स आई नोट डाउन ऑल्सो कि मेरी किस टीम से कितने लोग बैठे हैं। और ये कहा जाता है इस बिजनेस में, बहुत जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है, वॉट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव। जिस चीज को आप मेजर करना शुरू करते हैं, नापना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, वो इम्प्रूव होने लगती है। तो अगर हमको अपने नंबर्स इम्प्रूव करने हैं तो पहली आदत ये डालनी है कि हम नंबर्स को जोड़ना शुरू करें, काउंट करना शुरू करें। लेट अस स्टार्ट काउंटिंग अवर नंबर्स इफ वी वॉन्ट टू इम्प्रूव अवर नंबर्स। लेट अस स्टार्ट काउंटिंग नंबर ऑफ एसोसिएट्स। लेट अस स्टार्ट काउंटिंग नंबर ऑफ टीम्स। तो आज की मीटिंग के बाद जो भी मेरे बात जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं वो हर मीटिंग में अपने नंबर्स को काउंट करेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि कितने लोग किस किस अलग अलग टीम से हैं। एंड इफ यू जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट, आप देखना कितनी तेजी से आपके नंबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऑल दीज थिंग्स गो इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड से फिर आपको एक्शन का कमांड मिलता है। आपको पता भी नहीं होता कि आप किस लिए काम कर रहे हो, बट एक्चुअली यू आर वर्किंग फॉर इंक्रीजिंग योर नंबर्स। ऑल राइट, तो जब आप ईगल के लिए ट्राई करेंगे तो आपका आप देखेंगे न केवल पिन लेवल्स अपने आप हो रहे हैं बल्कि BFI और BBI भी अपने आप होने लगता है। अब हमेशा एक चैलेंज आता है कि वेदर टू वर्क फॉर स्ट्रक्चर और टू वर्क फॉर वॉल्यूम, और ये मेरा अनुभव है और बहुत से और बड़े पिन होल्डर्स का भी अनुभव है कि वेन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर स्ट्रक्चर वॉल्यूम गेट्स नेग्लेक्टेड, एंड वेन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर वॉल्यूम स्ट्रक्चर गेट्स नेग्लेक्टेड। ये ऐसा नहीं होगा इफ यू स्ट्रिक्टली वर्क फॉर बींग अ कोर एंड देन गोइंग फॉर ईगल, तब ये नहीं होगा। बट इसको और अच्छे से बैलेंस करने के लिए जो लीडर्स बताते हैं कि यू शुड वर्क, दो तरीके से काम करना है, महीने के 3 हफ्ते स्ट्रक्चर पर काम करना, 3 weeks इन अ मंथ यू हैव टू वर्क ऑन स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वीक यू हैव टू वर्क ऑन वॉल्यूम। व्हाई वॉल्यूम? बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, बिकॉज पिन लेवल भी चाहिए। अब अगर आप स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो और आपका से फॉर एग्जाम्पल 1050 PV हो गया है एंड यू आर हैप्पी इन द लास्ट वीक स्टिल कंटिन्यूइंग टू वर्क ऑन स्ट्रक्चर,
दिस इज नॉट अ गुड नेटवर्क बिल्डर, क्योंकि ये भी देखना है कि हर महीने हमारे पास पैसे आने चाहिए, हर महीने हम थोड़े थोड़े प्रॉफिटेबल होते चले जाएं। तो वहां पर क्या करना है, वहां पर हर किसी को ये देखना है कि इस बिजनेस में दो तरीके वॉल्यूम बनता है। एक वॉल्यूम वो होता है जिसको हमें पता है कि ये होगा ही होगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीम में तीन कोर हैं आपके अलावा, तो यू शुड रेस्ट अश्योर्ड कि अराउंड 1500 पीवी टू 2000 पीवी होना ही होना है। और इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेबल वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम विच कैन बी प्रेडिक्टेड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कोर्स इन योर बिजनेस। तो ये जो प्रेडिक्टेबल है, इसमें थोड़ा सा वो आना चाहिए जो लास्ट मंथ में हम दौड़ भाग के जनरेट करते हैं। और ये दौड़ भाग के जनरेट करना भी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप केवल स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, यू आर नॉट बॉदर्ड कि मेरा कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो यू आर लैकिंग इन वन थिंग एंड विच इज प्रॉफिटेबिलिटी। कोर बनकर हमको ये पता चल गया कि इतनी पीवी तो हमारी होनी ही होनी है, उसका एक नॉमेनक्लेचर है दूसरी टीम में, उस नॉमेनक्लेचर को मैं अभी आई डोंट वांट टू मेक इट पॉपुलर टिल आई टॉक टू माय अपलाइन डायमंड, लेकिन आप उसको ऐसे जान लो कि ये इतनी पीवी है जो हमारी पक्की वाली पीवी है। और जो लास्ट मंथ के लास्ट वीक में जो हमें पीवी करनी है वो दौड़ भाग वाली पीवी करनी है। दौड़ भाग वाली पीवी क्यों करनी है, जिससे हम प्रॉफिटेबल बने, हमारी टीम में नीचे लोग प्रॉफिटेबल बने, और जब लोग प्रॉफिटेबल होते हैं तो उनके पास उनको बिजनेस में फेथ बढ़ता है, उनके बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, और वो धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ते हैं जहां पर बड़े लेवल्स होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर महीने हमको चार गोल सेट करने हैं। पहला गोल हमारा सेट होना चाहिए हमारे पर्सनल वॉल्यूम का, हाउ मच विल बी माय पर्सनल वॉल्यूम। और जब मैं पर्सनल वॉल्यूम की बात करता हूँ, इट ऑलवेज इंक्लूड्स योर प्रेफर्ड कस्टमर्स वॉल्यूम, आपका अपना पर्सनल प्लस आपके जो कस्टमर्स हैं वो मिलके कितना जनरेट करेंगे, दैट इज योर पर्सनल वॉल्यूम। सो एवरी मंथ एज अ मैटर ऑफ हैबिट यू शुड मेक अ गोल ऑफ योर पर्सनल वॉल्यूम। देन You should make a goal of group volume. अब group volume का goal आप कैसे बनाओगे? कोई भी ऐसे पूछ सकता है, सर मुझे क्या मालूम कि मेरे group में क्या हो? उसके आज जवाब है मेरे पास कि आप group volume इस पर बनाओगे, इस बात पर depend करेगा कि आपके group में core कितने हैं और वो core से आपका जो एक predictable volume है वो कितना है, एक ऐसा volume जो होना ही होना है वो कितना है। और वो जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी आप इस बात का मतलब समझते जाओगे कि व्हाट इज अ प्रेडिक्टेबल वॉल्यूम। और उसके बाद उस प्रेडिक्टेबल वॉल्यूम से कुछ ज्यादा आपको बनाना है जो मंथ एंड में आप दौड़ भाग के जनरेट करेंगे। सो बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ कोर्स एंड बेस्ड ऑन योर व्हाट शुड आई से योर जुनून योर पैशन टू क्रिएट वॉल्यूम इन द लास्ट वीक, दैट विल सेट अ गोल फॉर दी मंथली ग्रुप वॉल्यूम। तीसरा गोल आप बनाएंगे नंबर ऑफ कोर्स इन योर ग्रुप। जैसे मान लीजिए किसी की भी टीम में अगर दो कोर हैं, तो अब आपको एक गोल ये बनाना है कि इस महीने एक कोर अपने नीचे में और जनरेट करूँगा। एंड हाउ विल यू डू दैट? बाई बिकमिंग एन एग्जाम्पल फॉर योर न्यू जॉइनीज इन योर टीम। आप उनसे बात करेंगे, आप उनकी इस बात का इम्पोर्टेंस बताएंगे कि देखो इस बिजनेस में जो कुछ भी है वो कोर है और इससे एनीबडी कैन जनरेट एटलीस्ट वन कोर एवरी मंथ। तो आप तीसरा गोल ये बनाते हैं हाउ मेनी कोर्स विल बी देयर इन माई टोटल टीम। और फिर एक गोल आप और बनाते हैं कि मेरी कितनी टीमें होंगी कोर की, हाउ मेनी कोर टीम्स। You should be in habit of making these four goals every month. My personal volume, my group volume, number of core associates in my team, and number of core teams that I'm going to have. और सबसे जो important है पांचवा goal,
वो आपकी चॉइस है, वो मेरी मेरी तरफ से किसी के ऊपर आई कैन नॉट इम्पोज इट, लेकिन मैं सिर्फ इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर वो गोल आपने बनाया है तो आपकी इस बिजनेस में ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाली है, एंड दैट इज टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर अपलाइन गोल, आपके अपलाइन के लक्ष्य में शामिल होना। और अभी रिसेंटली आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, डॉक्टर सुरेश द्विवेदी की टीम है, उनकी टीम के जो कोर लोग हैं दे ऑल न्यू कि सर की क्वालिफिकेशन इस मंथ कंप्लीट होने जा रही है, एंड ऑल ऑफ देम दे वर्क अ लिटिल एक्स्ट्रा, सब ने काम किया। उनमें से कईयों को पता था कि ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट में डाल रहा हूँ इससे मेरा अभी कोई भी पिन लेवल नहीं चेंज होने वाला है, मेरी बहुत ज़्यादा कुछ भी मेरे बिजनेस में फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट एवरी वन डिड दैट। वाई? बिकॉज दे न्यू कि हमें अपने अपलाइन के गोल में शामिल होकर एक एफर्ट डालना। और आप सोच के देखो, कई बार ऐसा होता है कि वेन यू वर्क फॉर योर अपलाइंस गोल यू आर एबल टू वर्क मोर, एंड वी आर वेन यू आर वर्किंग फॉर योर ओन गोल आप ढीले पड़ सकते हो, आप छोड़ सकते हो, यू कैन लीव दैट कि चलो हमारा ही तो हम कर लेंगे, बट वेन यू आर इन्वॉल्व इन योर अपलाइंस गोल आप बैठ नहीं पाते, और अगर बैठ नहीं पाते और करते हैं तो फायदा किसका होगा, अल्टीमेटली किसका फायदा होगा? डॉक्टर सुरेश द्विवेदी की टीम में जिन लोगों ने भी एक्स्ट्रा वर्क किया इस मंथ जस्ट बिकॉज कि हमारे अपलाइन का क्वालिफिकेशन है, अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ? अगर ज्वाइनिंग हुई तो आपके नीचे हुई, अगर वॉल्यूम जनरेट हुआ तो आपके नीचे जनरेट हुआ, अगर ADR बने तो आपके नीचे बने, अगर कस्टमर्स बने तो आपके नीचे, तो लॉन्ग रन में फायदा किसका है? आपका फायदा। तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर अपलाइंस। सो दैट इज ऑल जो आज मेरे नोट्स में था आपके लिए, और अगर उसको एक बार फिर से समराइज कर दें जिससे कि हर नया व्यक्ति समझ पाए, हर पुराना व्यक्ति समझ पाए, तो सबसे पहला गोल है कोर बनना। 100% पिन तो केवल एक इंट्रोडक्शन है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट द गोल इज टू बिकम कोर, एंड कोर का मतलब ये है कि 100% पिन हू स्टार्ट्स टेकिंग एक्शंस, एक्टिविटी भी जो करने लगता है। और उसके बाद फिर हमारा गोल है ईगल बनना। ईगल जब बन गए तो ईगल प्लस बनना। ईगल प्लस का मतलब है कि और 9 टीम्स 100% पिन या कोर, और ईगल प्लस जब बन गए तो डबल ईगल बनना। और दूसरा एक सजेशन है, जैसे आपने देखा होगा मेरा ग्रुप है उसके अंदर लिखा है कोर टू ईगल एंड टू रूबी, तो एवरी वन हु वांट्स टू बिग अ बिल्ड वांट्स टू मेक अ बिग बिजनेस वांट्स टू बिल्ड अ बिग बिजनेस उसको हमेशा 12 कोर टीम्स एंड 20,000 पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। डोंट फोकस ऑन सिल्वर, डोंट फोकस ऑन गोल्ड, डोंट फोकस ऑन प्लैटिनम, फोकस ऑन रूबी। एंड व्हाट इज रूबी? रूबी इज 20,000 पॉइंट्स, और रूबी विल बिकम वेरी इजी। आप करके देखो, इट विल बिकम वेरी इजी इफ यू फोकस ऑन मेकिंग 12 कोर टीम्स, इट विल बी एफर्टलेस। और उसी रूबी के रास्ते में सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम सब आ जाएगा। और आप रूबी बनने के बाद कहा जाता है कि अगर आप सच में रूबी बने, नेचुरल वाले रूबी बने, कई बार ऐसा होता है खींच तान के भी रूबी होता है, इतना पीवी कम है तो यहां से कर लिया वहां से कर लिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक नेचुरल रूबी का नेक्स्ट लेवल होता है डायमंड। हम लोगों ने नहीं किया है वो, उसकी वजह क्या थी वो अलग बात है, शायद हमको इतना फोकस नहीं था, बातें तो होती रहती थी बट वी वर नॉट फोकस इन दैट, हम एक एक लेग को क्वालिफाई कराने में लगे थे। बट नाउ चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फाउंडर प्लैटिनम्स हों, चाहे प्लैटिनम्स हों, हर किसी को ये टीचिंग है हमारे अप्लाइंस की कि आपकी जितनी भी क्वालिफाइड लेग हैं उसके बाहर आप रूबी जाने का प्रयास करो। तो हम लोग सब वी आर ऑल इन सेम बोट, इवन आई एम इन दिस सेम बोट। ये जो हमारी क्वालिफाइड टीम्स हैं इनके अलावा आई एम क्रिएटिंग मोर कोर टीम्स, और मेरा गोल है कि इन तीन टीम्स के अलावा मुझे 20,000 पॉइंट्स का बिजनेस करना है, और मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। और जब आप उसकी ओर बढ़ते हैं तो एक तो पहला फायदा होता है कि खूब सारा पैसा आता है आपके घर में। एट 21% लेवल यू अर्न अबाउट 2 लाख रुपीज़ एवरी मंथ,
दूसरा ये होता है कि एक के बाद एक आपके पिन लेवल अचीव होते हैं एंड यू एंजॉय द बिजनेस. सो माय डियर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स एंड माय बिजनेस पार्टनर एंड माय फैमिली मेंबर्स, आप सबसे मेरी यही अपील है कि आप कोर बनो, ईगल बनो, ईगल प्लस बनो, डब ईगल बनो. और अगर एक गोल बनाना है तो अपने बेडरूम में, बोर्ड इन बेडरूम में आप लगा दो, आई एम गोइंग रूबी एंड दैट्स ऑल. आप देखो एंड वर्क फॉर दैट. और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो हमारी प्रेडिक्टेबल पीवी है, जो हमारी दौड़ भाग वाली पीवी है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सब के साथ. और एक बड़ा सिंपल सा गोल हमारे अप्लाई ने दिया है कि अगर मान लो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मे बी कई बार हमारी ये जो लाइफ है इसके अंदर सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, तो एक गोल ऐसा है जो आप हमेशा अचीव कर सकते हैं और उस गोल को हम कहते हैं मोर एंड अर्लियर. जितना हमने पिछले महीने किया था उससे ज़्यादा करेंगे और उससे दो दिन पहले करेंगे. अगर हमने लास्ट मंथ 600 पीवी किया तो इस बार हम अगस्त में 600 पीवी आई विल डू बाय 27th, 28th और 29th. और जब हम 29th को 600 पीवी करेंगे तो बाकी दो दिनों में अगर हम सो नहीं जाएंगे तो हमारा पीवी ऑटोमेटिकली 700 हो जाएगा, 750 हो जाएगा. और 700 और 750 पीवी पर 6% के लेवल पर ही पहले से ज़्यादा पैसा है. अगर हम एक सिंपल सा गोल बना के चलते हैं कि हर महीने, ये सिंपल गोल इसलिए नहीं है कि बाकी सारे गोल्स को आप नज़रअंदाज करके यही वाला पकड़ना, ये इसलिए है कि कुछ नहीं हो रहा है तो भी कुछ हो जाएगा, धीरे 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 आपका लेवल बढ़ेगा. लेकिन अगर आपको बड़े लेवल्स चाहिए तो आपको वही गोल बनाना है, ईगल नंबर्स का, ईगल टीम्स का, एंड ऑल द टाइम यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर नंबर्स इन द टीम.